हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे IIT जैम। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है क्लेडन, उसके हम चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो लगभग तीन चार चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और उसमें इतना ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं था, तो थोड़े से टाइम पे ही हम उन चीज़ों को कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10th है ऑर्गेनिक क्लेडन बुक का, उसका डिस्कशन करेंगे। तो क्लेडन का चैप्टर नंबर 10, क्लेडन जो बुक है हमारी उसका आज हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड से ही रिलेटेड है ये टॉपिक भी आपका। तो चलिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है, किस तरीके की चीजें हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बोनिल ग्रुप, कि आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना किसके ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, क्योंकि लास्ट जो चैप्टर वो भी थोड़ा बहुत लिंक्ड था इसी से। तो जो ये सी डबल बॉन्ड ओ होता है इसी को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो अब क्या होगा, आप किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे। यहां पे मान लो कि हो सकता है यहां पे कोई और एक न्यूक्लियोफाइल लगाओ, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल ग्रुप का डिस्कशन किया जाएगा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। ठीक है, तो आइए बिल्कुल आराम से देखेंगे और अच्छे से। 10th चैप्टर है ये आपका क्लेडन बुक का। तो सबसे पहले तो यहां पर यह कि अराइविंग एट, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक फॉलोड बाय लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे अब समझाने की चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ समझाने के पॉइंट्स आ गए हैं, तो इसलिए हम अच्छे से समझेंगे इन चीजों को। तो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल एट द कार्बन एटम ऑफ देयर कार्बोनिल ग्रुप टू गिव प्रोडक्ट्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि मान लो अगर भाई आपका कोई सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे कोई सी डबल बॉन्ड ओ है, एल्डिहाइड या ये कीटोन है, ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमने अभी तक इस टाइप का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखा था। मान लो अगर आप CN का अटैक करवाएंगे तो वो सी डबल बॉन्ड ओ पे होगा और यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा कि यहाँ पे बन जाएगा ओ नेगेटिव, यहाँ पे लग जाएगा CN, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इस तरीके का। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप इज ए सच गुड इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कहोगे सर इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ, मैंने आपको ये बात पहले ही पढ़ा रखी है, ऑलरेडी दो तीन बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये सी डबल बॉन्ड ओ नजर आ रहा है ना, इसमें जो ये कार्बन होता है इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होता है और ये जो ऑक्सीजन होता है ये डेल नेगेटिव होता है। तो ये वाला जो सेंटर होता है ना कार्बोनिल का, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अगर ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो यहां पे कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद देखो यहां पे, तो इज गुड इलेक्ट्रोफाइल, इट रिएक्ट्स विद वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स, यू कैन मीट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इन चैप्टर नंबर 6, जैसे साइनाइड, वाटर, अल्कोहल्स, एंड चैप्टर 9 में ऑर्गेनोमेटालिक्स। ये मैंने दोनों ही चैप्टर आपको पढ़ा दिए, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 9। इन दिस चैप्टर एंड चैप्टर 11 वी शैल लुक एट दिस सम मोर रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड रिविजिट सम ऑफ दी वंस विटस इन चैप्टर 6। इट इज अ ट्रिब्यूट टू दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट वी हैव डिवोटेड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक टू एंड इट्स रिएक्शन। जस्ट लाइक रिएक्शंस इन चैप्टर नंबर 6 एंड 9, द रिएक्शंस ऑफ चैप्टर 10 एंड 11 इन वो जो 10 चैप्टर है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 एंड 11 में मेनली जो रिएक्शन होगी वो होगी ऑल इन्वॉल्व अटैक ऑफ एन न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल ग्रुप। तो इसमें भी हम यही देखेंगे कि कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां पे, कार्बोनिल ग्रुप के पास, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। द डिफरेंस इज दैट दिस स्टेप इज फॉलोड बाई अदर मैकेनिज्म स्टेप्स, मीन्स ओवरऑल रिएक्शन आर नॉट जस्ट एडिशन बट सब्स्टिट्यूशन। देखिए जो चैप्टर नंबर 6 था, या जो चैप्टर नंबर आपका जो ऑर्गेनोमेटालिक्स वाला चैप्टर नंबर 9 था, वहां पे हम एडिशन करवा रहे थे, बट अब हम सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, एडिशन नहीं करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे।
तो सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू अ कार्बोनिल ग्रुप इज नॉट ऑलवेज अ स्टेबल कंपाउंड। भाई देखो, जो आपको एडिशन प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, ये बात बताई जा रही है। द एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स अ स्टेबल एल्कोक्साइड विच कैन बी प्रोटोनेटेड विद एसिड टू प्रोड्यूस एन अल्कोहल, जो कि चैप्टर नंबर 9 में बहुत सारी रिएक्शन देखी है। द सेम इज नॉट ट्रू फॉर द एडिशन ऑफ अल्कोहल टू द कार्बोनिल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इन चैप्टर 6 वी ड्रा इट रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम एरो। तो ये कह रहा, जब देखो भाई ऑर्गेनो, जब आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। देखो यहाँ पे इस ये एग्जाम्पल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सारे एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं लास्ट वाले चैप्टर में, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने देखो, मैंने पढ़ा था जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, यहाँ पे डेल नेगेटिव होता है, आप इसका अटैक करवाएंगे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ पे, तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, ये ईटी लग गया, ये बन गया टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये स्टेबल प्रोडक्ट है बता रहा ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, लेकिन जब आप यहां पे एक अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं कीटोन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहां पे बनता है हेमी एसिटल। देखो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल इररिवर्सिबल नेचर की है, ऊपर वाली जो रिएक्शन वो इररिवर्सिबल नेचर की है, बट नीचे वाली रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की है, ठीक है। तो यहीं पर अपना जो थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा, अब यहां पर देखिए तो क्या कहा जा रहा है यहां इसमें इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे इन चैप्टर 6 विड्रा रिवर्सिबल, ये रहा, अ प्रोडक्ट इज हेमी एसिटल इज फॉर्म्ड टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट ओनली इफ इट साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक हेमी एसिटल हो तो वो स्टेबल होते हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, वरना ये जो प्रोडक्ट है अनस्टेबल है। द रीजन फॉर द अनस्टेबिलिटी इज दैट, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है, द रीजन फॉर दिस अनस्टेबिलिटी इज दैट आर ओ नेगेटिव इज इजिली एक्सपेल्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो है ना आपका, जो ये ओ आर नेगेटिव आके चिपकता है सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। वी कॉल ग्रुप दैट एक्सपेल्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल यूजली टेकिंग विद दैम नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप, यानी कि ये जो आर ओ नेगेटिव आया था इस मॉलिक्यूल में, हम इसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, और जब ये निकलेगा ना तो इसी को हम नाम देते हैं एलजी, इसी को हम नाम देते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो वी विल लुक एट द लिविंग ग्रुप इन द मोर डिटेल्स लेटर इन दिस चैप्टर, अगेन इन चैप्टर नंबर 15। तो लिविंग ग्रुप तो हमने यार खूब डिस्कशन किया लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहां पर भाई कुछ मैकेनिज्म दिए गए हैं, आओ देखते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि क्या कहानी बनाई गई है यहाँ पे। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ होगा कि ये जो अल्कोहल था, अल्कोहल है ना, अल्कोहल जो था बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा, आर के ऊपर नेगेटिव आ गया, ओ आर नेगेटिव जो है वो पिछली रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखा रखा है, तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड, तो ये जो बना है दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट। क्यों है ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट, उसका रीजन ये है कि जैसे ही ओ नेगेटिव यहां पे वापस से आएगा तो ये ओ आर एक काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये लीव कर जाएगा, और लीव करते ही वापस से यहां पे क्या बन जाएगा, कीटोन, वापस से क्या बन जाएगा, कीटोन। तो यहां पे यही बात लिखी हुई है कि आर ओ नेगेटिव इज अ लिविंग ग्रुप, आर ओ नेगेटिव इज अ लिविंग ग्रुप, तो आर ओ नेगेटिव क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप आर दी अनायंस Cl नेगेटिव, आर ओ नेगेटिव, ये रहा, याद करो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SN1 SN2 आपको पढ़ाई जाती है, वहां पे मैंने लिविंग ग्रुप का ऑर्डर भी पढ़ाया था। अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जैसे अगर आप मेरे से कोई पूछे कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, बताओ जी सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है I नेगेटिव, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है I नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब ये किसी से लिव करता है, लिव करने के बाद ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, I नेगेटिव लीव करने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसका रेट यानी कि ये बाहर निकलने की पूरी टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप के बारे में तो हम काफी अच्छे से डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये ऊपर वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया गया था यहां पे। आइए वेरी गुड, अब और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेते हैं। सो इफ न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो अ लिविंग ग्रुप, देयर इज अ चांस दैट इट विल बी लॉस्ट अगेन एंड दैट कार्बोनिल कंपाउंड विल बी रिफॉर्म, इन द अदर वर्ड्स रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। The energy released in the forming C double bond O makes up loss of two CO single bonds, one reason for the instability of the hemiacetal
प्रोडक्ट इन द केस। देखिए एक बात और यहां पे बताई गई कि एक और रीजन ये होता है इस रिएक्शन का अनस्टेबल होने का, वो ये है कि यहां पे देखो जब आप C डबल बॉन्ड O की बात करोगे इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी है और यहां पे जो दो OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है, ये भी एक बड़ा रीजन बनता है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है एक C डबल बॉन्ड O को। तो यहां पे देखो बिल्कुल डाटा भी दिया हुआ है, देखो अगर आप यहां पे लिखा हुआ है एनर्जी जब एक सी डबल बॉन्ड ओ बनता है उस दौरान 720 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब दो सी ओ बॉन्ड्स मेकअप द लॉस, जब आप दो इनको सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड्स तो वहां पे 350, तो ये लगभग दो लगाओगे तो 700 ही बने ना, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। सेम थिंग कैन इफ स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन्स अ पोटेंशियल लिविंग ग्रुप, अगर जो भी आपका जो आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है अगर उसके ऊपर पहले से ही कोई अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पे भी यही फिनोमिना होगा, जैसे ये मैंने लिया एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट, अब मुझे पता है कि यहां पे एम ई नेगेटिव ये अटैक करेगा इस सी डबल बॉन्ड ओ पे, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये बना, उसके बाद हमें पहले ही ओ आर लगा रखा है इस बार, तो जैसे ये आएगा ये ओ आर यहाँ पे ओ नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और ओ आर लीव करेगा, और जैसे ये लीव इसने तो लीव किया यहाँ पे बन गया कीटोन, इस कीटोन की अगर फिर से आप रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। तो ये जो हो रहा है ना बेसिकली दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है यहाँ पे बेसिकली। देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है भाई, ये जो एम मिथाइल देख रहे हो ना ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ अटैक कर रहा है, इसने इस वाले न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसने इस मिथाइल ने इस एम ई ने इस ओ आर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझ गए ना, और ये कार्बोनिल के ऊपर ऐसा हो रहा है इसलिए इसको कार्बोनिल वाली चीज बोली जाएगी, ठीक है। अगेन इट्स कोलैप्स विद द लॉस ऑफ आर ओ नेगेटिव एज अ लिविंग ग्रुप, दिस टाइम दो वी हैव नॉट गोन बैक टू स्टार्टिंग मटेरियल, देखो इस बार है ना हमने वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है जो पहले क्या था, कीटोन जो था वही बन रहा था, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, ये अलग चीज है, दिस इज एस्टर एंड दिस इज कीटोन, तो इसमें काफी डिफरेंस देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इंस्टेड वी हैव मेड न्यू कंपाउंड कीटोन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द ओ आर ग्रुप ऑफ दिस स्टार्टिंग मटेरियल हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय मिथाइल ग्रुप ऑफ दिस प्रोडक्ट, इन फैक्ट दैट कीटोन प्रोडक्ट कैन रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो यहां पर यह जो रिएक्शन हुई है ना इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट ये कार्बोनिल के लिए हो रही है, कार्बोनिल के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होता है, देखिए वैसे अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे तो वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता है, बट अगर आप ओ एच की जगह सी एल लगा देंगे तो इसे बोला जाता है एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड, ओ आर लगा दोगे एस्टर बन गया, ये लगा दोगे एसिड अनहाइड्राइड बन गया, एंड दिस इज अमाइड। Most of the starting material for the product of the substitution will be carboxylic acid derivatives. क्यों? क्योंकि ये जो सारे हैं ना सारे के सारे अच्छे लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं, जैसे यहाँ पे Cl negative एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, OR एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये वाला भी पूरा एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, एंड ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ज्यादातर जो आपको ये reactions देखने को मिलेगी वो acid derivative के साथ देखने को मिलती है, acid chloride and acid anhydride react with alcohol to make ester. एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो वहां पे एस्टर बनता है, कैसे बना होगा ये समझते हैं इसको, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आसानी से समझा जा सकता है। तो ये हमारा जी एसिटाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आपने अल्कोहल के साथ करवाई है और बेस है, तो सबसे पहले बहुत आसानी से समझा जा सकता है, इसको मैं एक पेन दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे, देखिए सबसे पहले ये बेस और ये अल्कोहल क्या होगा, यहाँ पे ओ नेगेटिव क्या बन गया, ये बेसिकली पूरा एक ओ आर नेगेटिव बन गया, ओ आर नेगेटिव, तो सबसे पहले ओ आर नेगेटिव क्या करेगा इस सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करेगा, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब ओ के ऊपर नेगेटिव आने से ये ओ नेगेटिव वापस से आएगा और यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, यहां से क्लोरीन लीव कर जाएगा, दोबारा से देखिए सबसे पहले इस बेस के प्रेजेंस में एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा इसके ऊपर नेगेटिव, ये वाला यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर वापिस से नीचे आएगा और इस बार क्लोरीन यहां से निकलेगा क्योंकि ओआर के कंपैरिजन में क्लोरीन अच्छा
अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो देखो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बन गया। इसी प्रकार देखो यहाँ पे अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड लेते और इसी की सेम रिएक्शन, तो ओ नेगेटिव ये इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करता और ये पूरा लीव कर जाता, ये पूरा जो ब्लैक कलर में देख पा रहे हैं ये लीव कर जाता। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कहा जा रहा है, इन ईच केस ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्लैक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल सीएल नेगेटिव ACO है ना कैन टेक प्लेस। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव लर्न नॉट ओनली द फैक्ट दैट असाइल क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट विद अल्कोहल बट इट्स ऑल्सो द मैकेनिज्म। तो यहाँ पे इसका पूरा नीचे मैकेनिज्म दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई सबसे पहले क्या क्या मैकेनिज्म में बताया गया। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म दिया गया है। सबसे पहले इसका डायरेक्ट अटैक करवाया गया है यहाँ पे, ये रहा डायरेक्ट अटैक करवाने के बाद तो ऑक्सीजन ने डोनेट किया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये बेस क्या करता है, अब बेस प्रोटॉन को निकालता है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेप है। उसके बाद ओ नेगेटिव एंड सीएल बाहर निकलता है, सीएल लिविंग ग्रुप के तौर पे काम करता है। सेम ऐसा ही मैकेनिज्म आपका नीचे वाले एसिड एनहाइड्राइड के केस में भी दिया गया होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज नोट करें स्टूडेंट, पहला स्टेप यहाँ पे जो मैं जैसा कि मैं बता रहा था एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि बेस प्रोटॉन को पहले निकाल रहा है, पहले यहां पे जो अल्कोहल का लोन पेयर है ना वो अटैक कर रहा है इस बॉन्ड के ऊपर, अनहाइड्राइड स्टार्टिंग मटेरियल ये हुआ। उसके बाद जो बेस है उसके बाद अटैक करने के बाद यहां से प्रोटॉन निकल रहा है, उसके बाद ओ नेगेटिव और ये पूरी लिविंग साइट है, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, फाइनल जाके ये प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहां पर क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं यहां पर। We call unstable intermediate formed in this reaction is tetrahedral intermediate because trigonal sp2 होता है तो carbonyl become tetrahedral। देखिए पहले क्या होता है ना, unstable क्यों कह रहे हैं इसको आप unstable क्यों कह रहे हो सर? देखिए भाई वैसे जो C double bond O होता है वो sp2 hybridized होता है, planar structure होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आते ही ये tetrahedral intermediate बन गया। जब ये tetrahedral तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी प्लेनरिटी थी वो चली गई, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर बढ़ जाना है पक्का ही। ठीक है, तो ये दिखाया गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूशन एट ट्राइगोनल कार्बोनिल ग्रुप गो थ्रू ए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ये ट्राइगोनल था। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, उसके बाद वापिस से ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, तो देखते हैं इन्होंने क्या कोई रीजन दिया है क्या इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है। मोर डिटेल्स अबाउट दिस रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो भाई इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे बट इस रिएक्शन को जरूर देखेंगे कि इस रिएक्शन के द्वारा क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल लिया है इस क्वेश्चन में, और ये पिरिडीन है, तो पिरिडीन भी तो एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर सकता है ना, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले क्या किया, इस पिरिडीन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। जैसे डोनेट किया इसके ऊपर पॉजिटिव, ओ के ऊपर नेगेटिव, वापिस से ये यहाँ आएगा एंड सीड ये बाहर निकल गया, ये वाला बाहर निकला भाई, सी डबल बॉन्ड ओ बन गया ये पूरा। उसके बाद अगर अब आप अल्कोहल लेते तो अल्कोहल फिर से अटैक करेगा ओ आर, ये रहा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ये जाएगा तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। अब फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पे पिरिडीन वापस निकल गया एंड क्या प्रोडक्ट बन गया, तो ये आपने RCOCl को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद ये बताना चाह रहे हैं कि दिस इज न्यूक्लियोफाइल कैटालिस्ट, क्या ये पिरिडीन ने यहाँ पे किसका काम किया है, पिरिडीन ने यहां पे न्यूक्लियोफाइल कैटालिस्ट का काम किया है। पिरिडीन ने यहां पे किसका काम किया है, पिरिडीन ने यहां पे न्यूक्लियोफाइल कैटालिस्ट का काम किया है। जितना आपने स्टार्टिंग में डाला वैसा का वैसा वो निकल गया, लेकिन प्रोडक्ट में काफी ज्यादा चेंज कर दिया। हाँ, अब जो चीज जो क्वेश्चन है, हालांकि मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस बताया अपने लेवल पे, लेकिन एग्जैक्ट बुक क्या बोलती वो देखते हैं। देखो अभी आपने देखा कि ये जो ये देखिए, मतलब सोच सकते थे हम कि सर ये यहीं तक क्यों नहीं रुक रहा है भाई, यहां पे अगर ये होता और इसको हम प्रोटॉन दे देते तो ये OH बन जाता, ये यहीं तक क्यों नहीं रुक रहा है, ये आगे क्यों जा रहा है, क्यों यहां पे O नेगेटिव वापस से आके इस X को बाहर निकाल रहा है। तो इसके पीछे रीजन ये कि जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ये अनस्टेबल है। अब ये हमें बताएगा कि ये अनस्टेबल क्यों है, है ना। नेक्स्ट टॉपिक ये है अब यहां पर कि वाई आर दी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल, ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल क्यों है। The alkoxide formed by the addition of Grignard reagent to aldehyde ketone is stable. Last, जैसे हमने अभी थोड़ी सी देर पहले पढ़ा है, यह आपने एक aldehyde लिया, इसकी reaction करवाई, तो यहाँ पे जो intermediate बन रहा, वो भी तो tetrahedral है, but वो stable है। देखो, ये क्या ये stable product बन गया?
बट और केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट रुकिए भाई, बट और केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है उसकी बात हम करेंगे। ठीक है जी, अब देखो यहां पे, देखिए टेट्राहेड्रल यहां पे देखते हैं, यहां पे देखते हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आर सिमिलरली फॉर्मिंग बाय द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल से इथेनॉल इन बेस। तो ये देखो अब, बट यहां पे जब ये सीएल है ना, ये जब आप यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखो, यहां पे सबसे पहले क्या हुआ, इन दोनों की रिएक्शन हुई, ये ओटी यहां पे अटैक कर रहा है, उसके बाद ये अनस्टेबल क्यों है, बात ये कि ये अनस्टेबल क्यों है यहां, यही तो बात हम जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, टू कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एसिटाइल क्लोराइड बट दीज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आर अनस्टेबल। तो पूछ रहे कि व्हाई आर दे अनस्टेबल, क्यों ये अनस्टेबल है। ठीक है, द आंसर इज टू डू विद लिविंग ग्रुप एबिलिटी। इसका आंसर है कि लिविंग ग्रुप की जो एबिलिटी है, वंस द न्यूक्लियोफाइल हैज एडेड टू कार्बोनिल कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड द ग्रुप अटैच टू द न्यू टेट्राहेड्रल कार्बन एटम एट द लिविंग विद द नेगेटिव चार्ज। अब देख लो भाई, ये जो इसकी जो अनस्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, नोट करें यहां से, डिपेंड्स ऑन हाउ गुड द ग्रुप अटैच टू द न्यू टेट्राहेड्रल कार्बन एटम आर द लिविंग विद द चार्ज। इन ऑर्डर टू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट टू कोलैप्स, one of the group has be able to live and carry off the negative charge from alkoxide ion to form an addition. तो यही reason भाई, ये जो आपका living group होता ना, इसकी tendency के ऊपर ये चीज depend करती है, है ना? Most stable anion will be the best living group. जैसे कि मैंने आज आपको पहले ही ये बात बता दी थी, मैंने आपको ये पहले ही बात बता दी थी कि आपका most stable anion, जितना stable anion होगा ना, वो उतना ही अच्छा living group होता है, ठीक है? There were three choice of the living group, Cl negative, EtO negative, Me. We can make methyl lithium, but not Me negative, because it is very unstable, so Me negative must very bad living group. So Me, carbon ke upar negative charge itna jyada stabilize nahi hota hai as compared to other. EtO is not so bad, alkoxide are stable, but they are still strong, reactive base. Cl नेगेटिव यहां पे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है? क्योंकि जितना अनायन ज्यादा स्टेबल होगा ना, जितना अनायन ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही यहां पे ये होगा। देखो इस क्वेश्चन में देखना, यहां पे अब हमने देखा कि भाई आपने ये यहां से ये Me क्यों नहीं गया, अरे भाई यहां से क्लोरीन ही क्यों जाता है, ये OT ही क्यों जाता है, Me क्यों नहीं गया, उसका रीजन कि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, Me नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। यहां से ये क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई इससे अच्छा क्लोरीन Cl नेगेटिव लिविंग ग्रुप था, Cl नेगेटिव, तो जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो निकलेगा। हाउ डू वी नो दैट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एग्जिस्ट, हमें कैसे पता लगता है कि भाई रियलिटी में कोई ऐसा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होता है, हमें कैसे पता लगेगा? तो वी डोंट expect you to satisfied with the blunt statement that tetrahedral intermediate formed in the reaction. Of course you wonder how we know the this is true. bhai maine keh diya tetrahedral intermediate banta hai, lekin science to yakin nahi karegi, wo to evidence mangegi science, to iska evidence yahan pe diya gaya hai. is cheez ko hum explain kar sakte hain aapka, isko bhi bola jata bhai kafi jagah ye topic aata hai aapka. तो देखिए यहां द फर्स्ट एविडेंट फॉर द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाज प्रोवाइडेड बाय बेंडर इन 1951. ही मेड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव RCOX दैट बी लेबल्ड विद द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन. ये काफी जगह यूज किया जाता भाई, आइसोटोपिक इसको बोला जाता मेथड, तो ये काफी जगह यूज करते हैं. O18 यूज किया. दिस इज एन नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप That is detected by mass spectroscopy. तो mass spectroscopy के हेल्प से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. He then reacted these derivative with water to, देखो यहां पे कि कैसे ये बनता है, तो इसको कैसे फिर बाद में इसको डिटेक्ट कर लिया गया mass spectroscopy से. तो any reasonable mechanism.
तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो C डबल बॉन्ड O में एसिड के डेरिवेटिव में ये जो लिया O18 वाला लिया, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई। तो यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा कि भाई ये देखो, ये यहाँ पे वाटर सबसे पहले तो क्या है कि OH नेगेटिव बनेगा, ये यहाँ पे टैग करेगा, X बाहर निकलेगा, ये बना। इसके बाद क्या, रैपिड माइग्रेशन ऑफ द प्रोटॉन बिटवीन द ऑक्सीजन एटम। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये जो प्रोटॉन यहाँ पे है, कभी यहाँ पे जा रहा 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 है। ही देन रिएक्टेड दिस डेरिवेटिव विद अनसफिशियंट वाटर फॉर द कंप्लीट कंजप्शन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। एट द एंड ऑफ रिएक्शन ही फाउंड दैट प्रोपोर्शन लेबल्ड मॉलिक्यूल रिमेनिंग स्टार्टिंग मटेरियल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। इन अदर वर्ड्स, इट वॉज नो लॉन्गर कंप्लीटली लेबल्ड विद O18, सम कंटेन्ड नॉर्मल O16। द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट वुड बी एज बिफोर, बट रैपिड प्रोटोन ट्रांसफर वुड बी ऑल्सो मीन दैट टू ऑक्सीजन एटम वुड बी हैव द सेम। नाउ वी से दैट नेक्स्ट स्टेप इन द आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे देखो भाई, ये इसका मतलब यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो O18 हमने डाला था ना, जो O18, उसके बाद जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनने का मतलब क्या है कि वो इक्वली पाया गया बाद में। अभी इसको और आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो मैकेनिज्म बताया गया भाई, ओ नेगेटिव अटैक किया, यहाँ पे ये बना, रैपिड माइग्रेशन, कभी प्रोटोन यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना ही रहा, ठीक है ना तेरा। द रिजल्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स बाय वाटर, बट इट कंसिस्ट विद द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट इज लेबल्ड O16 लेबल्ड O18। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या किया गया, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पे देखो, तो ये जो था आपका यहाँ से, एक मिनट रुको, सबसे पहले ये रहा O नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, X बाहर निकला, तो ये यहाँ पे है। अब इसी से क्या दिखाया गया भाई दोबारा कि ये बना, तो ये थोड़ा सा उसी को एक्सप्लेन किया गया, कोई इसमें इतना ज़्यादा समझाने का मुझे नहीं लग रहा कि कोई है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रैपिड माइग्रेशन, ये अब एसिड के केस में आ रखी है बात, ठीक है ना। PKA is useful guide to living group ability. Yes, this is also important. जो PKA value होती है उससे भी हम बता सकते हैं living group ability. It is useful to able compare the living group ability quantitatively. Quanti. This is impossible to do exactly. Exactly नहीं कर सकते, but हम पता कर सकते हैं. देखिए जो conjugate acid होते हैं आपका, the X negative is living group. So the यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप होता है। लोअर द PKA ऑफ HX, बेटर इज द लिविंग ग्रुप। देखना क्या बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है वैसे तो। देखो अभी अभी हमें ये बात पता लग गई है कि ये जो HX है, HX एक एसिड है, तो ये क्या करता है, H पॉजिटिव निकालता है, प्लस में X नेगेटिव निकालता है। अब देखिए इसकी PKA वैल्यू जितनी कम होगी, इसकी PKA वैल्यू कम होने का मतलब है कि ये अच्छा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि PKA वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, PKA वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहां पे देखो PKA वैल्यू इसकी जितनी कम होगी ना, देखो हम कैसे देखते हैं स्टेबिलिटी, किसी भी एसिड की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं भाई, किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, तो हम ये देखते हैं भाई, ये जब अलग होगा यहां से, तो इस एक्स नेगेटिव की स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा ना एक्स नेगेटिव, उतना ही ये अच्छा एसिड होता है, क्योंकि वो उतना ही अच्छे से एच पॉजिटिव को रिलीज करता है, इसकी स्टेबिलिटी। अब मैं ये कह सकता हूं इनडायरेक्टली भाई, अगर जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा ना, जितना ज्यादा एक्स नेगेटिव स्टेबल होगा, उतना ही अच्छा एच एक्स एसिड होगा। तो यहां पे देखो PKA वैल्यू कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो ये ज्यादा स्टेबल है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होगा, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होगा। तो आप PKA मान लो मेरे पास यहां पे चार एसिड लिख देता हूं मैं, एक मैंने लिख दिया HX, एक मैंने लिख दिया HY और एक मैंने लिख दिया HZ। मैंने बोल दिया कि इसकी PKA वैल्यू जो है वो 1.2 है, मैंने लिख दिया कि इसकी PKA वैल्यू आपका 0.7 है और मैंने लिख दिया इसकी PKA वैल्यू 0.2 है। तो बताइए कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप एक्स नेगेटिव में से, वाई नेगेटिव में से और जेड नेगेटिव में से कौन होगा। तो मैंने देखा यार कि इसकी PKA वैल्यू सबसे कम है, इसका एसिड सबसे, ये सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे अच्छा एसिड है
और सबसे अच्छा एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा जेड नेगेटिव वो सबसे स्टेबल होगा। अगर वो सबसे स्टेबल होगा तो उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे बेस्ट होगी, उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे बेस्ट होगी। तो यार ये बड़ा बेसिक है, ऑलरेडी पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और यही चीज यहाँ पे बताई भी गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इन्होंने एक पॉइंट पे ये बात लिख दी है, लोअर द पीकेए, यानी कि देखो जितनी कम पीकेए वैल्यू होगी ऑफ एचएक्स बेटर इज द लिविंग ग्रुप ऑफ एक्स नेगेटिव इन द कार्बोनिल रिएक्शन। और ये आप एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ देख सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा अभी तक जो हमने देखा है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हमें कौन सा मिला है, यहाँ पे Cl नेगेटिव मिला है। Cl नेगेटिव कहाँ से आया होगा, HCl से। तो अगर आप बात करोगे ना, जो pKa होती है, pKa वैल्यू वो जीरो से भी कम होती है, इसीलिए ये एक्सीलेंट कैटेगरी के लिविंग ग्रुप होते हैं। वहीं पे अगर आप अनहाइड्राइड की बात करते हैं तो अनहाइड्राइड में ये वाला जो है लिविंग ग्रुप होता है। और ये कहां से निकला, यहां से, इसकी pKa 5 होती, pKa ज्यादा होगी ना, pKa ज्यादा, कम एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आ रही है बात, तो ये चीज आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने मेरी वर्डिंग में बड़े आसानी से एक्सप्लेनेशन दे दी है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक आपके पास ये असाइल क्लोराइड है एंड दूसरा आपके पास यहाँ पे कोई एसिड का एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई, ओ नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये वापस से गया, उसके बाद यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, ये तो यहाँ पे अटैक कर रहा था, यहाँ पे Cl बाहर निकलेगा और इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी मिक्स्ड अनहाइड्राइड। तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं, इनका ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कैसे कैसे रिएक्शन है। अमाइंस रिएक्ट विद असाइल क्लोराइड टू गिव अमाइड्स। अगर आप किसी अमाइन की रिएक्शन, यानी कि NH2 की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की रिएक्शन अगर आप करवाते हैं किसके साथ, असाइल क्लोराइड के साथ, तो वहां पे आपको अमाइड मिलता है, C डबल बॉन्ड O NH2 मिलता है। तो आइए कोई रिएक्शन देखते हैं। यस, ये रिएक्शन बड़ी काम आती है भाई, याद करो जो भी बच्चे मेरे कंप्लीट कोर्स के अंदर हैं, है ना, तो उन्होंने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, ये रिएक्शन बड़ी काम आती है भाई। ये एक नेम रिएक्शन है नाइट्रीन इंटरमीडिएट की, याद करो, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको याद आ जाएगा एकदम से। तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट की चार रिएक्शन मैं आपको पढ़ाता हूँ, ओफमैन ब्रोमाइड, लूजन, सिडमिक्ट एंड एक होती है, एक और होती है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। तो ये तीन रिएक्शन है, वहां पे एक स्टेप यही होता है, वहां पे हम एक स्टेप यही करते हैं कि पहले हम RCOCl से, एग्जैक्ट तो मुझे भी अभी याद नहीं आ रही है, RCOCl की रिएक्शन पहले अमोनिया के साथ करवाई जाती है, अमाइड में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद फिर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये असाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करवा रहे हैं तो यहां से ये बन रहा है। अगर कोई पूछे ये कौन सी रिएक्शन है, तो भाई ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। क्या हुआ होगा यहाँ पे, आओ मैकेनिज्म देखते हैं, बड़े जबरदस्त वाला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले अमोनिया जो है उसके पास, अमोनिया एक बेस के तौर पर काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है, उसने अटैक किया यहाँ पे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, अमोनिया और भी प्रेजेंट, उसने इस प्रोटॉन को निकाला, ये बना, ओ नेगेटिव के ऊपर चार्ज यहां पे आया, Cl बाहर निकला, क्या बन गया, अमाइड, क्या बन गया, अमाइड। ठीक है ना, तो बहुत आसान है भाई, देखो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे भी यही है। तो यहां पे आपने क्या करना पड़ेगा कि ये जो दिख रहा ना, यहां पे उठा दो इसको बस यहां पे, यानी कि आपने देखो मैकेनिज्म तो मैंने समझा ही दिया, यहां पे ये तो पक्का कि Cl बाहर जाएगा और एक ये H भी बाहर जाएगा, एक H, क्योंकि जो अमोनिया ये जो बेस है दूसरा, तो यहां पे आप डायरेक्ट इसका अटैक करो, ये बन गया आपका। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये सिंथेसिस है, देखो ये जो बेसिकली नेट और गेट के एग्जाम होते हैं वहां पे कई बार इस टाइप के रिएक्शंस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो नाम से तो नहीं पूछते हालांकि, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है भाई, सिंथेसिस ऑफ अमाइड इस तरीके से बनाया जाता है। हमारे लिए इसकी थ्योरी पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको मैं कहूंगा दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपका नेट और गेट में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नेट, गेट, जैम सभी के अंदर आ सकते हैं, अगर उसने सोच रखा एग्जामिनर ने कि वो आपसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो यार बहुत आसान है, बहुत आसान है, अब हम पढ़ चुके हैं इसको, कि ये सिंपली है RCOCl एंड ये है एक बेस, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां से इस Cl को हटाऊंगा, यहां से इस प्रोटॉन को हटाऊंगा और इस N डबल, इसको इस C डबल बॉन्ड O के साथ चिपका दूंगा, है ना। तो देख सकते हो कितना आसान है, मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं दोबारा से भी बता देता हूं मैकेनिज्म, कि सबसे पहले आपने क्या किया होगा, ये अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसने अटैक किया हुआ इसके ऊपर,
ये ओ नेगेटिव, अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, तो यही वाला दूसरा मॉलिक्यूल उस प्रोटॉन को निकालेगा, ठीक है, ओ के ऊपर नेगेटिव वापिस, तो ये बेसिकली बनेगा। तो इस एग्जाम्पल को आप याद रख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है यूजिंग बेस स्ट्रेंथ टू प्रेडिक्ट आउटकम ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो देखते हैं भाई ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं, ये एक आपने एस्टर लिया, अगर आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते तो अमाइड बना, लेकिन एक बात और है, क्या ऐसा भी ट्रू हो जाएगा क्या नीचे वाला, क्या भाई अब देखो यहाँ पे अमाइड लगा हुआ ऑलरेडी और मैं यहाँ से अटैक करवा दूँ, क्या यहाँ पे वापिस से मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, क्या वापिस से मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा? ये फिर से डिपेंड करेगा किसके ऊपर, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर, ये फिर से डिपेंड करेगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इनफैक्ट ओनली द टॉप रिएक्शन वर्क्स, अमाइड कैन फॉर्म फ्रॉम एस्टर, आप एस्टर से अमाइड बना सकते हैं, बट अमाइड से एस्टर नहीं बना सकते, एस्टर से अमाइड बनाया जा सकता है बट अमाइड से एस्टर नहीं बना सकते, क्यों? तो एस्टर कैन नॉट बी फॉर्म बाय द अमाइड्स, द की क्वेश्चन इज विच ग्रुप विल लीव फ्रॉम द कॉमन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। देखिए यहां पे बात वही आ रही ना लिविंग ग्रुप की, तो जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ना, तो यहां पे देखो द आंसर MeO नेगेटिव एंड नॉट NH2 नेगेटिव, इनमें से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, तो इनमें से अच्छा लिविंग ग्रुप है MeO नेगेटिव। देखो ये GOC में, जिस बच्चे ने GOC पढ़ी होगी उसको पता है, मैं हमेशा ये बात बताता था उसको, है ना, और ये जो फैक्टर ना ये काफी जगह काम आता है, एक ये और एक ये NH2 नेगेटिव है, ये दोनों एक पीरियड के एलिमेंट है, और मैं आपको एक बात पढ़ाता था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होगा। इसीलिए देखो सबसे पहले जब आपने यहाँ पे देखा ये OMe लगा हुआ था, इसने अटैक किया हुआ यहाँ पे, ये सिचुएशन बनी, अब यहाँ से ये बाहर निकलता है, क्यों निकलता है, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू NH2 नेगेटिव। समझ में आ गई, समझ में बात आ गई ना, तो बहुत ही बेसिक है ये भी पॉइंट, इसमें कोई ऐसी हैरानी वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे देखो रिएक्शन करवाई, ये सब बना बेस वापिस से, ऐसा ये सब बन गया। अच्छा जी ये क्वेश्चन देखो, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिकली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो कीटोन है सिंपली, और ये OET लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करोगे, दो लगे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे NH एंड PH ये प्रोडक्ट बना देंगे, तो ये प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पे बन जाता है, ये प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद फैक्टर्स अदर देन लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैन इंपॉर्टेंट, भाई चलो ठीक है, अभी तक जो हमने बात की है मेनली वो लिविंग ग्रुप के ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही है, लिविंग ग्रुप क्या कोई और भी फैक्टर होते हैं क्या, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, फैक्टर अदर देन लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैन इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट वुड सिंपली नेवर फॉर्म फ्रॉम एन अमाइड और एन अल्कोहल, द अमाइड इज टू बैड एन इलेक्ट्रोफाइल एंड अल्कोहल इज नॉट टू गुड न्यूक्लियोफाइल। तो वी लुक्ड एट लिविंग ग्रुप एबिलिटी, नेक्स्ट वेल कंसिडर द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाई। देखो एक तो चीज आप ये देख सकते हो कि जो लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है वो, और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये देखो यहां से इसको नोट करें सभी बच्चे, कंसिडर द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाई, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो दो चीजें और आप देख सकते हो, एक तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा वाई उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ देख सकते हो। तो कंडीशन फॉर द रिएक्शन क्या है, तो आप ये देख सकते हो भाई अगर ये रिएक्शन होगी तो आप ये देखो गुड इनफ इलेक्ट्रोफाइल, क्या ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, एक आप इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी देख सकते हो और एक इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देख सकते हो, तीन ही फैक्टर यहां पे काम आ रहे। इफ द रिएक्शन इज टू गो एक्स, अगर ये रिएक्शन आप चाहते हो कि ऐसा ये रिएक्शन हो, अगर आप ये चाहते हो कि ये रिएक्शन हो जैसे आपने दिखा रखा है कि भाई कोई एक वाई न्यूक्लियोफाइल इसका यहां पे अटैक करे, एक्स यहां से निकले, मतलब ये रिएक्शन हो, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली खास बात तो यही होनी चाहिए कि एक्स एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, अगर एक्स लिविंग ग्रुप है तो बात बन जाएगी। तो यहां पे यही लिखा हुआ कि एक्स नेगेटिव मस्ट बी अ बेटर लिविंग ग्रुप देन वाई। हाँ ये बात और ध्यान देना भाई, ये जो वाई अटैक कर रहा है ना इससे अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए एक्स,
नहीं तो देखो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, यहां पे देखो आप ओ के ऊपर नेगेटिव लग गया, यहां पे एक्स और ये वाई, अगर मान लो कि वाई अच्छा लिविंग ग्रुप है एक्स से, तो फिर ये वापिस ही निकल जाएगा, तो फिर वो एक्स वाला ही रह जाएगा। इसीलिए आपका एक्स का अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए भाई, ये जो है ना, ये जो एक्स नेगेटिव है ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो वाई से। वाई मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन दिस। उसके बाद ये भी हो कि ये जो वाई है ना एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो, मतलब इस एक्स नेगेटिव से अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो, जब ही तो अटैक करने देगा ना, ये एक्स नेगेटिव अटैक नहीं करने देगा जब तक ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तो दूसरी बात ये है कि वाई नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, वाई नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए एक्स से। एंड तीसरा पॉइंट ये है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स मस्ट बी गुड इनफ इलेक्ट्रोफाइल टू रिएक्ट विद ये। अब ये भाई इसकी ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये वाई नेगेटिव को आने ही ना दे। तो ये तीन फैक्टर आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ये तीन फैक्टर आप यहाँ पे बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप एबिलिटी आर रिलेटेड एंड पी के ए इज टू बोथ। बिल्कुल सही बात है यार, पहले ही बात कर चुके हैं इसके ऊपर, तो मेरे हिसाब से ज्यादा इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इसको हम न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। तो इसको मैंने जो रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक आपको पढ़ाया था, रिएक्शन मैकेनिज्म, वहां पे मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में काफी अच्छे से डिस्कशन किया था कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इन जर्नल हायर द पी के ए ऑफ ए एच द बेटर ए नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल। भाई पी के ए वैल्यू हायर होगी, देखना भाई बहुत आसानी से समझा दूंगा, बुक की लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज में बड़ा डिफरेंस है। जैसे मैंने आपसे बोला दो चीजें हैं मेरे पास, क्या है, एक ये वाटर है और मेरे पास एक अमोनिया है, ठीक है। तो वाटर से मुझे क्या मिला होगा, वाटर से मुझे ओ एच नेगेटिव मिला होगा, एंड अमोनिया से मुझे क्या मिला होगा, मुझे एन एच टू नेगेटिव मिला होगा। अब ये पता क्या करें, ये करें अगर पी के ए वैल्यू ज्यादा होगी ना, मान लो यहां पे H2O भी है एंड दूसरा क्या अमोनिया भी है, तो ये बुक में ये बात करें अगर पी के ए वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो वो अच्छा जो उनसा जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये कह रहे हैं उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, है ना। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात, देखो कैसे। अब भाई एक ये है और एक ये, इन दोनों में से अनस्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है, मतलब इन दोनों में से अनस्टेबल कौन सा है, तो ये वाला अनस्टेबल है। क्यों है, क्योंकि आपको एक पॉइंट पढ़ाया जाता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है और नाइट्रोजन पे है नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये क्या करना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब, अब ये अनस्टेबल है ना, तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी न किसी को देना चाहेगा एज कंपेयर टू ओएच नेगेटिव। ओएच नेगेटिव कह रहा है यार मैं स्टेबल हूं, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है मैं स्टेबल हूं, बट नाइट्रोजन वाला क्या चाह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं किसी को, इसीलिए ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। तो वही बात तो कर रहा है यहां पे, भाई देखो एक वाटर है और एक ये, इसकी पीके ए वैल्यू ज्यादा होती है, ये कम एसिडिक होता है, वाटर और अमोनिया में से अमोनिया कम एसिडिक होता है, अगर कम एसिडिक है तो उसकी पीके वैल्यू ज्यादा है, अगर उसकी पीके वैल्यू ज्यादा तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है ना वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। समझ में आ गई बात, देखो यार बहुत आसान है समझना, और मैंने तो ये चीजें ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई है, मैंने तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हुई हैं, जो लेक्चर्स जिन बच्चों ने देखे होंगे, तो ऑलरेडी वहाँ पे मैं काफ़ी डिटेल में